प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से आशीर्वाद लेने आज अहमदाबाद जाएंगे। उसके बाद 27 मई को पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाकर मतदाताओं का आभार जताएंगे। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए गुजरात जाऊंगा। पीएम ने ट्वीट में कहा कि अगले दिन मैं काशी जाऊंगा और इस महान धरती के लोगों को मुझ पर दोबारा विश्वास जताने के लिए धन्यवाद करूंगा। गौरतलब है कि पीएम ने काशी से करीब 4.8 यानी 4,80,000 वोटों से जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के खानपुर स्थित पुराने भाजपा कार्यालय का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसी कार्यालय से प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वसम्मति से एनडीए के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। शनिवार शाम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि एनडीए के नेता और देश के भावी प्रधानमंत्री चुने जाने पर उनका अभिनंदन। हम दोनों ने महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। दिल्ली में शनिवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली और पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन कार्य समिति ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया और कहा कि पार्टी को उनके नेतृत्व की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहती हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी। अमेठी में पूर्व प्रधान और स्मृति ईरानी के करीब बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने मामला किया दर्ज। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने गांव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और कार्यकर्ता की अर्थी को दिया कंधा। बाराबंकी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से बाराबंकी जिले के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5,00,000 का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। आजमगढ़ से चुनाव हारे भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जनता का धन्यवाद करने के लिए पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे और जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह आजमगढ़ से चुनाव हारे नहीं बल्कि जिस मकसद के लिए वे आजमगढ़ आए थे वह कामयाब रहा है। अम्बेडकर नगर जिले के राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोगों से संबंधित 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें देश और प्रदेश के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों ने शामिल होकर नेत्र रोगों से जुड़ी समस्याओं पर अपनी जानकारी साझा की। बलरामपुर के महारानी लाल कुंवर महाविद्यालय के तत्वावधान में लोकल इन्वायरमेंट चेंज हैव ग्लोबल इफेक्ट विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण में तेजी से हो रहे असंतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके समाधान पर चर्चा की गई। कानपुर नगर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कानपुर एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2019 का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कानपुर और प्रयागराज मंडल के सभी जिलों के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की। मुरादाबाद में एक नई पहल के तहत मुरादाबाद से गुजरने वाली रामगंगा नदी के दोनों किनारों की तरफ 2-2 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले सभी तालाबों के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है ताकि बारिश के शुद्ध जल को बचाया जा सके। हापुड़ के ग्राम काकोरी निवासी अर्जुन शर्मा ने हाल ही में आयोजित जूनियर नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर हापुड़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। पदक जीतने के बाद अर्जुन शर्मा का अपने गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया।